हमने तो ये डिसाइड किया, हमारे फैमिली हमारे बच्चे बोलते हैं कि पापा आप दुनिया की भलाई करने के लिए क्यों जा रहे हैं, आप क्यों बैठते हैं, लोग कमेंट ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैं सीबीआई से हूँ, मैं क्राइम ब्रांच से हूँ। अरे क्या मतलब है, आप क्राइम ब्रांच से हो, आप प्रधानमंत्री को क्या मतलब है? आपने 100 रुपया दिया, चेक कराया, कराना है नहीं कराना है, जाओ ठीक हो गए कि नहीं हो गए लिखा हुआ है, गारंटी हम देते नहीं है। गारंटी वाले के यहाँ चले जाओ भाई, क्राइम ब्रांच से हो या तुम इंस्पेक्टर हो या प्रधानमंत्री, हमें क्या लेना देना। अरे वो तो 100 रुपया ले लेते हैं वहाँ, ठीक है 100 रुपया ले लिया, यहाँ स्टाफ है उनको हम क्या तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे। कॉफी मशीन लगी हुई, आप 100 रुपये कॉफी पी के चले जाओ, 100 रुपये आपका वसूल हो जाएगा। बिस्किट रखा हुआ है, 100 रुपये बिस्किट खा के चले जाओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मत कराओ काम ना। अब कुछ का सवाल ये है कि बाबा जी वहां पर 250 लेते हैं, यहाँ 500 है, तो भैया यहाँ आप चेक करा लो, बनारस चले जाओ, 250 रुपए में कराने के लिए बनारस चले जाओ, क्या मैं आप। कुछ का ये भी कमेंट है कि भाई वो पैसा क्यों लेते हैं, भैया मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं क्या करूं, रात को फिर चलो हमें कहीं लेके चलो, कहीं तिजोरी तोड़ने में हमें भी शामिल कर लो डाका डालने के लिए, मेरे बीवी बच्चे को फिर वही खाना खिलाओ हराम वाला। भाई हमें कुछ तो चाहिए, हर एक जगह मंदिर में जाते हो वहां पर भी देते हो बिना रिश्वत के, तो आप भगवान के पास जाएंगे। तो मैं तो चपरासी हूँ, तो चपरासी की भी तो विद फैमिली है, उसको खर्चे कहाँ से आएगा, कि भाई यार आ रहे हैं भाई यार जा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा भाई, ये तो बताओ। और कोई सवाल जब आप किसी सोच विचार है नहीं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, पास जाते हैं उसका 1000 रुपए फीस भरता है, 1100 भरता है, 1500 भरता है, 500 भरता है, चेक करते हैं कोई भी बीमारी पर्ची लेके देते हैं, किसी दवाई देते। अब देखिए अब हम अपने आप को बता रहे हैं, यहाँ पर दर्द होती है, यहाँ के दिल्ली के सबसे बड़े बढ़िया MRI कराया, काका कराया, डॉक्टर ने दवाई लिखा, मैंने खाया, कुछ नहीं, 19 भी नहीं हुआ। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि नहीं गारंटी हमारा इतना पैसा लगा दे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया ना, आपसे लिखित में ले लेते हैं, आपने कोशिश तो किया ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गारंटी मिल गई, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हम साइन करके देते हैं, कोई हमसे गलती हुई होगी भविष्य में, जीते को जानते में हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकता है कोई अनजाने में हमसे गलती हुई, उसका दंड हमें मिल रहा है, जैसे अभी आपने सवाल किया, मालिक की मर्जी है, ठीक है, खेलते हैं भाई, देख पेशेंट या पेशेंट के साथ आएगा, किसी उम्मीद के आए हैं ना, आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते हैं, साइन करके ले लेते हैं हमसे, ये गारंटी नहीं है, और जो भी जिम्मेवारी आपकी है पैसे भी एडवांस में जमा होता है, एक पैसा भी नहीं छोड़ता, होते हैं ना, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 15,000 हो, तो आपसे भी नहीं मिलते ना। तो बाबा जी भी जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, ऊपर इतने अंदर इतने, वो पंडित बोला, मैं नहीं बोला, कराओगे नहीं कराओगे ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मेरी कोई मर्जी नहीं, करा के चला गया। ये व्यक्ति दोबारा आया, ये फिर चेक कराया, ठीक है, फिर निकल रहा है, अंदर 6, ऊपर 5, 4, 8 जो भी, दोबारा फिर निकल गया। अब ये पुलिस बुला लेता है, ये व्यक्ति पुलिस बुलाता है कि हमने ये करवा दिया, तो ये फिर कहां से आए। मैं ये बताना चाहता हूं, किसी ने करवाया आपके ऊपर एक बार, उसको लग रहा है कि अरे ये तो अभी भी पैंट बूसट पहन के 4-व्हीलर में चल रहा है, अब वो बाबी बाबा क्या फिर पहुंचा, अरे यार तुमने क्या किया, कैसे किया, अभी कुछ हुआ नहीं उसका, अच्छा ये लो ये खिलवा देना, 2 राउंड हो गया, अच्छा फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं यार ये तो अभी भी बढ़िया है, 3 राउंड 4 राउंड, तो अब यहाँ लेयर बाय लेयर चेक होता है, यानी कि पंडित ने स्कैन किया ऊपर, अच्छा जितने आए अंदर बाहर वो मरवा दिया आपने, तब वो नीचे वाले फिर ऊपर आ गए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, अब लोग कहते हैं अरे दोबारा कहाँ से हो गया, इसमें कितने बहस में ये हुआ कि इसके पहले तो बोला था बाबा जी पनीर निकलेगा और निकल भी गया, आज ये बोलता है चेक करने वाला कि ड्रिंक निकलेगा, वो हमसे लड़ने लगा कि ये ड्रिंक हमने तो कभी किया ही नहीं। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, हमने कहा भैया तुम्हारा ऊपर है ना मत मरवाओ, तुम्हारे समझ में आता है तो जड़ी बूटी ले जाओ, ड्रिंक निकल जाएगा, नहीं किया है ना, निकल जाएगा, तब आप मेरे पास आ जाना, भूतों को मरवाना, वो भी तुम्हारी मर्जी होगी, तो वो वीडियो नेट पे है, ड्रिंक आया, उसका बातचीत किया, वीडियो बनाया, जा चला गया।
फिर उसको बुलाया हमने, कहीं यहीं यहीं ये गिलास में कैसे आया? तो बताया कि हमने टब में उल्टी किया और मैंने छन्नी से छान के रखा, ये दारू है। अब भैया तुमने तो बहस कर रहे थे कि दारू हमने कभी पिया नहीं, दारू आएगा कहाँ से हमारे पेट में? अरे बेवकूफो, हम तुमसे कह रहे हैं ये प्रसाद है तो तुम्हारा माइंड क्या एक्सेप्ट करेगा? प्रसाद हमने पिया, राइट? मैं कहूं ड्रिंक तो आपको पता होगा कि मैंने ड्रिंक किया है यार, ठीक है? तो ये निकला, मैं तो यहां तक कहता हूं भैया इसको लैब में भेजो। और हम जनता को ये भी बोलते हैं, जहां जब यहां पर पंडित बोलता है वो चीज से परहेज कर लो, पनीर है, दूध नहीं खाओ, खीर नहीं खाओ, पनीर नहीं खाओ, मतलब कोई चीज उस दिन तक से एक आध हफ्ता और छोड़ दो, इसके बाद दवा खाओ, फिर ये उल्टी में निकलता है, इसको लैब में ले जाकर चेक कराओ कि ये कितने साल से मेरे पेट में है, तो है कैसे? मैं गलत फ्रॉड नहीं हूं, मैं ये कभी मरते दम तक नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं सही काम करूं या फ्रॉड करूं, ये जनता आपसे पूछना चाहता हूं। अब फ्रॉड मैं कैसे कर सकता हूं? पंडित को मैं आदेश दे देता हूं कि दोबारा वो भी तो मत बताओ, ये दोबारा आया चेक कराने के लिए, बोल दे नहीं है, तो अगर एक दो या और है ये फड़फड़ाता रहे ये सही है या पूरी ईमानदारी से काम करे, जनता आप हमें बताए। अरे बताओ भैया, हमें क्या करना चाहिए? हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए ना, है तो है, अब मत करो, तुम्हें नहीं समझ पा रहा घर जाओ, हम यही मान के चलेंगे अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ। जो यहाँ बहुत से आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो हम उनको मन में अगर वो जरा सा पीछे हटता है तो हम उसको थोड़ा और पुश कर देते हैं, यानी बाहर जाओ। हमें मन में कि इसका भी समय पूरा नहीं हुआ, कैसे करा लेगा, पैसा भी लेके आया है मगर इसके ऊपर का जो शैतान है इसको बहका रहा है, अरे 5,000 लग रहा है, 7,000 लग रहा है, ये फ्रॉड है। यहाँ भूत ने अभी बोला है, इसके पहले आई थी एक फैमिली, बताया उसके ऊपर, ये यहाँ कुछ नहीं होता है, चलो चलो चलो, और उसके ऊपर सब हाजिर हो गए, सब पूरी कहानी क्लोज हो गई, यानी सब बता दिए कितने हैं, कौन किया, कब किया, कैसे किया, मुझे क्या मालूम किसने किया कब किया। अब जो भी करवाया आपके ऊपर अगर वो ब्रेक हो गया है तो हम तो यही चाहते हैं सदा वैसे ही ठीक रहो आप, हम तो यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। मगर अगर कोई जो कर रहा है तो हमारे पास रोकने का उपाय नहीं है। अब बेवकूफ बना के अगर हमें पैसा कमाना हो तो ये रही 10 पैसे की ताबीज, प्रेस पेंटिंग में छपती है, 151 रुपया दे दे इसको पहन ले, भूत नहीं आएगा, ऐसी कोई ताबीज इस पृथ्वी पे ना है ना होगी, अगर होगी कोई तो हमें जरूर बताना पड़ेगा ताकि हम पूरी दुनिया को यूं ही पहुंचवा दें। अगर कोई नहीं भेज रहा है तो नहीं आएंगे, और कभी कभी खुद भी ये पकड़ लेते हैं, आप कहीं जा रहे हो तनाई में, आप जरा सा भी जैसे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप डर गए तो वो इंटर बजाते, ये भूतों ने हमें बताया, ये जा रहा था, हमने हवा तेज चलाया और ये डरा और हम इंटर हो। तो ज्यादातर 90% लगभग ये लोग जलने वाले करवा देते हैं। और अब वो कुछ लोग कॉमेडियन भी करते हैं, अरे उसको परेशानी थी, मैंने चेक कराया उसको, सबको निकला, अरे बेवकूफो विद फैमिली को लोग शिकार बनाते हैं, पार्टी शार्टी में बुला लिए, खाना दावत दे दिए, उसमें सबको लिप्त थे, पूरा विद फैमिली परेशान हो। अरे भैया चेक करा लिया विद फैमिली का, मत करो, तुमको लगता है कि नहीं हम परेशान हैं, हम ही करा लेते हैं, ठीक है? तो ये बाबा पैसा क्यों लेते हैं? अरे मत तो पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं, मत तो मत काम कराओ, यहाँ पानी बोतल भी आपको फ्री मिलेगा, दुआ का पानी, उससे आप 50% रिलीफ पाओगे, काम नहीं कर रहे हो काम करने लगोगे, जब पैसा कमा लेना कुछ इकट्ठा हो जाएगा तब आके धीरे धीरे काम करा लेना, मुझे क्या आपत्ति है, क्या चाहिए भाई, हमें रिलीफ मिलना चाहिए, अभी हम परेशान हैं, पैसा नहीं, मत है कोई बात नहीं, पानी ले जाओ ना पियो, इससे आपको 50% फर्क पड़ेगा। यहाँ पर फिर मैं बोलता हूँ, जो भी काम कराओ नहीं कराओ पानी जरूर ले जाओ, पियो, आजीवन चलेगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है किसी के लिए, किसी को दे दोगे उससे उसका भला हो जाएगा, जितना पियो उसमें पानी भर दो, समुंदर में डाल दो वो समुंदर वही पानी हो जाएगा। मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं मक्कार नहीं हूँ, मैं कभी कोई गलत काम नहीं किया। जैसे लोग कमेंट करते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, और जो एक गलत आदमी होता है उसको तो रोज आदत है, पुलिस वाला आ गया, सीबीआई वाला आ गया, या जो भी आ गया उसको तो रोज आदत है, मगर जो सही बंदा होगा वो खाली सुन के पुलिस वाला, अरे दरोगा, अरे, तो बहुत तकलीफ होता है हमें, ये गलत है, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना मरते दम तक करेंगे, और जिस दिन हम गलत करेंगे उस दिन हमारा ये पावर मालिक अपने आप छीन लेंगे, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। बाबा जी, अगर किसी ने कुछ भिजवाया हुआ है उसका आप
ने निकलवा दिया लागू किया उसका, जब दोबारा कोई तो बंदा दोबारा भेजेगा उसी को भेजेगा, कोई दूसरा दूसरे को भी भेज सकता है, जरूरी तो नहीं हो तो निकल जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। वो तो गया, हमने उसको ऊपर भेज दिया, मुक्ति मिल गई, नहीं आ सकता ना दूसरे भूतों की कहाँ कमी है, नहीं कमी नहीं। ज्यादातर लोग उनके खुद के घर के ही भूत होते हैं, जो अकाल मौत मर गया उसी को हम लोग भूत प्रेत आत्माएं कहते हैं। लोग कहते हैं अरे एक एक आदमी के ऊपर इतने इतने आत्माएं कहां से आ जाती है, अरे भैया ये रोम रोम में आपके रह सकते हैं, ये आत्माओं को क्या करना है। ज्यादातर वो जब बातचीत होती है तो वो घर ही के निकल जाते हैं, हम ऐसे मर गए थे, हम वैसे मर गए, दोबारा नहीं भेजेंगे तो फिर आप हमेशा सुखी रहोगे, हम तो यही चाहते हैं पूरी दुनिया सुखी रहे। मेरे पास तो नहीं है, अगर कोई दुनिया में बाबी बाबा के पास इलाज है तो हमें भी बताओ, और उस बाबी बाबा की हम दो मिनट में गलत फहमी दूर कर देंगे। कोई रास्ता है बाबा जी इनसे बचाओगे? कोई रास्ता नहीं। क्या कोई रास्ता है ये हवा आपके ऊपर ना लगे? आएगी आएगी, आत्मा भी हवा है, इससे आप कैसे बच जाओगे? इस बात में तो हम सहमत नहीं है कि अब हम उसके घर नहीं जाए, हम शमशान नहीं जाए, हम कब्रिस्तान नहीं जाए। जब आप कहीं नहीं जाओगे तो आपके मरने में कौन आएगा? अब आपको लगता है कि ये बंदा करता है, आपको लगता है या कहीं से सिद्ध हो गया कि ये करता है, आप इससे बच जाओगे? चलो बच गए, ये अपने दोस्त को दे के भेज देगा, ये दे रहा उनको प्रसाद दिया, अब बताओ तुम इस पे शक कर रहे हो, वो अपने दोस्त से भिजवा दिया, क्या करोगे? मगर जो भी गलत करता है उसको भी इस पृथ्वी पे भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी गलत जो भी करेगा भोगना तो पड़ता है, ये समझ। बाबा जी मैंने सुना था कि ये चीज जो निकलती है जिसने किया कराया वो भी बीमार हो जाता है या कुछ कष्ट होता है उसको उसी टाइम। तो बात तो वही भी है, हम दूसरे सुना है उसी टाइम। हाँ सही है, सही है। एक गलत काम करोगे, आपसे हम कहें चोरी करो तो आपका दिल अभी जैसे है वैसा रहेगा, या चोरी के टाइम पे वो धक धक करेगा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, तो गलत तो भाई गलती है ना, गलत तो गलती है, ये समझ लो। अब वो एक कोई बंदा बोला कि आप 7 तारीख को आ रहे हैं, मैं सीबीआई से हूँ, हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, आइए जरूर मिलो। अब हम वो ये सीबीआई में कोई भी हो सकता है, वो यहाँ व्यक्ति हो भी हम उसका चेक भी नहीं करेंगे कि वो है या नहीं है, मुझे लेना देना नहीं है। और किसी को कोई भी कमेंट करने का अधिकार नहीं, पहले जाकर उसको देख लो वो बंदा है फ्रॉड तो जरूर नेट पे बताओ कि इससे बचो आप पैसा बचाओ, मगर जो व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है उसको आप गलत कमेंट करके करने का आप पाप के भागीदार बन रहे हैं आप खुद, क्योंकि आपने देखा नहीं है वो व्यक्ति कर क्या रहा है। पहले आप उसका काम देखो, जाकर मिलो, जनता से मिलो कि भाई यहाँ पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो, क्या फायदा हुआ। अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिल्डर आया था जिसके पहले डेट, उसके ऊपर हाजिर हुआ, बताया सब कुछ, बातचीत हुआ, फिर वो बाई एयर बनारस आया। बोला यार हम तो 7 को आ ही रहे थे, क्यों आ गए? बोला 7 को दिन है, अभी हमें जो रिलीफ मिला है तत्काल में, तो ये जो आधा काम है ये कराने के लिए आए। उस दिन उसका टिकट बताया कि 1 आदमी का 8,000 है, यानी 8×16,000, फिर वहाँ यानी 20-25,000 रुपया गया उसी बच्ची तो आएगा। हाँ वापस भी आएगा, और होटल होटल वगैरह वगैरह। अब भैया ये बताओ कि बनारस जाना सस्ता पड़ा या दिल्ली हम आपके आके 500 रुपए में जो कर रहे हैं ये? अरे बनारस जाओगे ट्रेन का, प्लेन से आप नहीं जाओगे, गरीब आदमी हो, ट्रेन से जाओगे उसके पैसे दोगे, 1 हफ्ता रुकोगे, होटल खर्च करोगे। तो हम पैसा बहुत लूटने का मुझे आदत नहीं, हमारा घर घर बिस्तर अगर मैं अथवा जहाँ सोता हूँ अगर उसको बेचूं किसी से कहूँ खरीद लो तो मेरे ख्याल से 200 रुपया भी कोई नहीं देगा जिसपे मैं सोता हूँ। 200 रुपया भी मैं किसी से कहता हूँ तो यकीन नहीं करते, मगर ये मेरे घर गए हैं डॉक्टर साहब, ईंट लगी हुई है, पाए भी नहीं है उसमें, ईंट लगी, पैर 2 टूट गए हैं, मैंने इसमें ईंट लगा के जोड़ के उसपे सोता हूँ। लोहे की टीन है, लोहे की, बारिश होती है तो भी पानी छूता है तो बिस्तर को हटा लेता हूँ, इधर उधर करके बैठा रहता हूँ, मालिक से कहता हूँ बस करो मालिक सोने आए थोड़ा, तो जब बारिश रुकती है जब मैं फिर उसको बिछा कर वहीं पर सोता हूँ। तकिया मेरी कैसी है, डल्लब की नहीं है, ये जो पुराने कपड़े होते हैं और फूट फूस के उसको तकिया है तो उस पर मैं सोता हूँ। एकदम नॉर्मल चपरासी हूँ तो चपरासी सदा रहूँगा।
अब तो महीने में एक दिन बैठने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या करूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं जो इतना मुझे दुखी कर देते हैं, टेंशन दे देते हैं। आप समझदार हो, आपसे बड़े जुड़ रहा है, अच्छा भी नहीं लगता कि आपसे कुछ बोले। इतने लोगों की आप सेवा कर रहे हो, दुआ देते हो ना, वो तो ठीक है, मगर कोई एक व्यक्ति उसमें कह दे बाबा चोर है तो सौ में से एक आदमी बोलेगा तो एक आदमी पीछे नहीं जा सकते। सौ में से एक आदमी बोलेगा तो 99 तो दुआ देंगे। मगर तकलीफ होती है भैया, वो तो बड़े बड़े थे, हम तो चपरासी, मुझे तकलीफ होती है। मैंने कभी चोरी नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया। मुझे ये बेईमानी क्यों कह रहे हो? कहने वाले कहते नहीं, पब्लिक के बाबा जी सबके यही रिक्वेस्ट है आपसे, इच्छा है कि आप आओ और जो दुआई ले रहे हैं वो उसी डबल। अब दिल्ली में कई साल से लोग हमें बुला रहे थे, मिलने का नहीं नहीं नहीं, जिसको जरूरत है बनारस आएगा। मगर बड़ा लोगों के रिक्वेस्ट है, हमने कहा चलो भाई ठीक है, इसको हमने खरीदा, इसको बनवाया और फिर मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ लोगों को। जहाँ वो इस जगह 50 ऐसा कम करने हो रहे हैं, एक सारे छोड़। मगर भैया ये नेट जो है पूरी दुनिया को बताता है कौन चोर है कौन साव है। जो यहाँ व्यक्ति कभी नहीं आया वो कमेंट करके उसको कमीनों को जवाब दे देता है कि तू कभी वहाँ गया नहीं, उनके बारे में कैसे लिख रहा है तू। वो बहुत अच्छा अच्छा भी लोग लिखने वाले हैं, हम यहाँ कभी आए नहीं है कि वो तो अच्छी बात है कि वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान में है। हमें बाहर कंट्री वाले बुलाते हैं, बुला रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ आकर शिफ्ट हो जाओ, डॉलर ये वो, यही मरना है। आज तक पासपोर्ट बना के मैं इंडिया के बाहर गया नहीं, पासपोर्ट बन के रखा हुआ है मगर इंडिया के बाहर नहीं गया, घूमने भी नहीं गया, बस दिल्ली बनारस यही हम जाते हैं। ड्यूटी जा रहे हैं लगे हुए, ड्यूटी जा रहे हैं। अब इस वीडियो से कुछ लोगों की तो आंख खुलेगी, ये भी वीडियो नेट पे जाएगा, ये भी जो अभी बना है ये भी नेट पे भेज दूंगा। हम तो सांस लेते हैं तो जनता से सलाह ले लेते हैं कि ईमानदारी से हम चेक करवाएं या बेईमानी करें, झूठ ये हमसे होगा नहीं, हम उस दिन रिजाइन दे देंगे। नहीं भाई, हम कैसे, वो इस पे एक दो अभी बचा हुआ है या भाग गया था या कहीं से फिर आ गया है, हम पंडित को कैसे कह सकते हैं कि बोल दे नहीं है इसके ऊपर, हम कैसे कह सकते हैं। वो एक दो इसको तड़पा रहा है, हम कैसे कह सकते हैं भाई। हम तो हम शो कर देंगे, एक है, पांच है, दस है, तेरी मर्जी है ना, तू कराएगा नहीं कराएगा ये तेरी मर्जी है, मत कराओ भाई, मत कराओ ना, हम कहा कहे। और बाबा जी नहीं बोलते हैं कि आपके ऊपर इतने भूत है, जो रूह है यानी कि आत्मा आत्मा को देख सकती है। हम लोग इंसान है, हम लोग इंसान को गिन सकते हैं, यहाँ कितने इंसान खड़े हैं बैठे हैं, तो वो भूत प्रेत वो अपनी गिनती गिन लेते हैं कि इतने ऊपर है इतने अंदर है, ये निकलेगा अभी क्या चाहिए, ये निकलेगा और वही निकल रहा है आपके घर में, अभी कैसा सबूत चाहिए आपको, क्या चाहिए सबूत भैया। और उस व्यक्ति मरे हुए व्यक्तियों से मैं साइन भी कराता हूँ, उससे आप दोस्त पैसा खर्चा करने के बाद उसको मुक्ति दिला दो, फिर इस पृथ्वी के ऊपर हम भी उसको बुला नहीं सकते ऊपर से नीचे, फिर वो गया मालिक के पास ऊपर, अब वो उनका डिपार्टमेंट है, वो अच्छा काम किया है खराब काम किया है वो कहाँ डालेंगे उसको, ये उनका डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट अब नहीं है। जब नेबू जल गया हमारे हाथ से वो निकल गया, नेबू नहीं जला है जब तक हम फिर बातचीत कर सकते हैं, नेबू जला दिया आपने काम खत्म, कैसा प्रूफ चाहिए, कितना सबूत दे। हम ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाते हैं, हमने वीडियो बना के दुनिया की आंख खोल दिया, जिसको समझ में आए आओ, नहीं समझ में आए समय तेरा नहीं हुआ, हम यही मान के चलते हैं, आपका समय नहीं हुआ अभी यहाँ ही जगह, अभी बोलेंगे कितने 50% चले जाएंगे, चले जाओ, तुम्हारा समय नहीं हुआ, पैसे 5,000-7,000 जो लग रहे हैं वो खाओ घर पे जाके आराम से। वो चेक होगा कि भूत प्रेत हैं या नहीं है, बहुत से ब्लैंक भी निकल जाएंगे। अब बहुत से ब्लैंक भी कैसे निकल जाते हैं, भूतों को पता है कि ये जा रहा है हमको फिनिश करा देगा, तो हम इसको छोड़ के जल्दी से भाग खड़े हो, फिर ये बाहर जब निकलेगा हम इंटर कर जाएंगे, तो उनको हम फिर बोलते हैं भैया यहाँ तो अभी नहीं निकला, हम पैदा कर नहीं सकते, फिर ट्राई करो।
घर में मन में गालियां दे के आओ कि तू जो भी है असल का है दोगला है, मेरे साथ पे चल के देख, दम हो तो अब गुस्से में वो आएगा, आएगा तो यहाँ चेक में निकल गया तो फिर वो कहीं नहीं जा सकता है। और एक दफे वो गिनती में आ गया तो आप जब उसे डी एंड कराएंगे तो हम करेंगे। अगर आपको वो बहका देता है कि नहीं ये लूट रहा है आपको, 5,000 लग रहा है, 7,000 लग रहा है, तो आप जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ठीक है महीने में अभी तो 15 दिन का ही रहने दीजिए, अभी जनता 15 दिन अभी यहाँ पे अगर वोट भी होगा तो ज्यादा लोगों का वोट नहीं होगा कि आप ज्यादा आ जाओ बाबा जी। 15 दिन पे रखते हैं, गलत महीने में सिर्फ 2 बार उसकी मन की भी कर रहे हो, सही बात है, जो वो चाहता वो कर रहे हो, तकलीफ होती है यार। हम पढ़े लिखे नहीं है, मुझे लड़के बताते हैं, बाहर वाला बताता है कि बाबा जी ऐसा ऐसा गाली दे रहा है आपको, हम वो तब तकलीफ होती है, हम वो चीज भी इसलिए करने के लिए, हम लोग आपको वैसा ना होंगे तो आपसे और एक्सप्लेनेशन मांगने। चलो भाई बैठते हैं, 15 ही दिन के बैठते हैं। अंदर तक का बना लो, इसको नेट पे डाल देंगे वीडियो, बहुत से इस वीडियो से लोगों की आंख खुल जाएगी, विरोधियों का भी समझ में आ जाएगा कि क्या है, और दुनिया को समझ में आता है कि कौन फ्रॉड कर रहा है, हम तो वापस कोई को गाली भी दे सकते हैं। अब जब वो अहंकार की बात कर रहे हैं, दिखाई गया हमने बोला भी डाटा भी यहाँ पर आपको दिया जाता है, आप अपने घर जलाओगे, बाकी हम आधा ले जाएंगे वहाँ चिमनी में जला लोगे। बाबू जी लेके आने पड़ते पहले से? नहीं, आप यहाँ जब आप बताओगे यहाँ मिलेगा, 500 में आपको नींबू भी मिलेगा जब आप बताओगे, जब भैया आप कराओगे नहीं कराओगे वही तो अपने आप से नहीं नींबू यहाँ उपलब्ध, जो जड़ी बूटी की दवाई है वो सब यहाँ उपलब्ध है। तो हमारी मौत एक दिन के लिए टाल दिया जाए, यानी हम ये संडे को काम करके जब हम बनारस आ जाए तो हमारी रूह को कब्ज कर लिया जाए, मगर आज तक हमने कभी नागा नहीं मारा, कभी छुट्टी नहीं किया। मेरे लड़के का एक दफे हाथ टूट गया, अब जनता ने बोला कि आज तो आप वहां नहीं जाओगे, हमने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, एक तरफ 100 और एक तरफ 1, अब बता मैं किधर जाऊं, तू जल्दी बता किधर जाऊं, 100 पे ना जवाब तुम ही दे दिया, डॉक्टर किया मैंने, पैसा भर दिया, ऑपरेशन का भर दिया, बीबी को बिठा दिया, अब वो उधर देखेगा, हम 100 को देखेंगे। आज तक हमने छुट्टी नहीं की, होली वाले दिन भी, ईद पड़ जाए, बकरीद पड़ जाए, ड्यूटी है, कोई ना हो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है, मैंने कभी छुट्टी नहीं मारा, और सारे वर्कर भी हमारे आएंगे, तनख्वाह लो घर जाओ, कोई नहीं आया कोई बात नहीं। बाबू जी कभी ऐसा हुआ जैसे कि आप आए और कोई नहीं आया? हाँ हुआ है, बनारस में हुआ है, बता तो रहे हैं, यहाँ की बात है बनारस, होली वाले दिन आए कुछ कम आए, ये दंगा हो गया तो भी मैं गया हूँ, दंगा हो गया कर्फ्यू लगा है, हाँ मैं तो वहाँ जाऊंगा, कोई ना हो हम बैठे हैं, ड्यूटी हम पूरी करके ही जाएंगे। बाई चांस एक पेशेंट ले आ गया तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद से आ रहा
बाबा जी के पास नींद से आ रहे हैं तो बाबा जी को लोग सेवा के लिए सच्चे वापस अपना मोजा जूता क्यों नहीं रहा, मोजा बदबू करता है। एक दफे मेरा लड़का घूमने आया दिल्ली, वो मोजा पहन के अंदर तक चला गया। मैंने कैमरे में देखा, अपने स्टाफ को यहाँ डांटा कि तुम कैसे अलाउ किया, तो बोलता है वो आपका लड़का है, हमका हमारा कोई लड़का नहीं है। फिर अपने लड़के को फोन किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, मोजा पहन के भागो बाहर आउट, यही पे भगा दिया उसको, तुम पैर अंदर नहीं रखना। ड्यूटी मतलब कानून सबके लिए बराबर है, वो मेरा लड़का नहीं है, कोई नहीं है। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं मोजा पहन के, कुछ लोग मंदिर में चले जाते हैं, ये गलत है। भगवान से मिलना है, हाथ पैर धो धा के साफ सफाई से जाओ, भगवान मिलेंगे। मोजा पहन के बदबू वाले के लेके जा रहे हो, भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ हमने देखा है न्यूज़ों में, देखते हैं मोजा पहने हैं नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज जायज नहीं है। हम अनपढ़ हैं मगर वो गलत कर रहे हैं। नमाज जूता पहन के मोजा पहन के तो नहीं कर सकते। जनाजे की नमाज जो है, जो मर जाते हैं हम, उसमें आप मोजा जूता पहन के शामिल हो सकते हो, मगर जो पांचों वक्त की नमाज है वो नमाज में आप नहीं पहन सकते, मोजा पहन के नहीं अलाउ। उनको भी तो नहीं पता होगा, पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। थूक लगा के यहाँ पर पैसा गिनना सख्त मना है। अरे ये बेवकूफी कोई कर गया है, आप क्यों कर रहे हो थूक लगा के, आप दे रहे हो किसी को, ये सही है? अगर आप ऐसा यहाँ करते हो तो आपका काम नहीं होगा, आप बाहर जाओ, फिर कभी आना। अरे ये बेवकूफी अगर कोई कर गया है, हम क्यों करें भाई, हम अच्छा काम करें। और कुछ लोग कहते हैं अरे आप भगवान नहीं, कोई भी इंसान, मेरा यही कहना कोई इंसान भगवान हो ही नहीं सकता है, भगवान का करीबी हो सकता है मगर वो भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग में कई करोड़ देवी देवता हो गए, मगर ये गलत है। सिर्फ ईश्वर एक ही है, आप धन्यवाद उसका करो, मेरा नहीं। मैं तो आपकी फाइल वहां पहुंचा दिया, वो किए मालिक ऊपर वाले रास्ता बना देते हैं बाबू जी, जीना पड़ता है ना। तो भाई चपरासी, आप मेरा क्यों धन्यवाद कर रहे हो, मैं आपको डांटने लगूंगा तुरंत। धन्यवाद आप जिस भगवान को आप मानते हो उसका धन्यवाद करो, मेरा नहीं कर सकते। चपरासी का धन्यवाद नहीं किया जाता है, मालिक का करो। आप जिस भी धर्म से हो उसी का आपने बोलना है कि आपने हमें रास्ता दिखाया, हम पहुंच गए, मालिक ने भी तो आपको भेजा है। तो भाई चपरासी है ना, तो धन्यवाद पहला उन्हीं का बनता है। आपकी तरह और भी ऐसे इलाज करते हैं पूरे देश में, जगह जगह जैसे लोग जाते हैं, तो कौन सही करता है कौन नहीं करता, तो उसका तो कैसे पता नहीं चलता। वो तो दुनिया बड़ी तेज हो गई, आप नेट पे दिखता है कौन क्या कर रहा है। जैसे बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी में ये सब चीज़ों का इलाज होता है, वो सही जगह लोग बहुत से हमारे क्या है, बालाजी का भी डाला हो, वहाँ गए वर्षों खेला खेला हुआया और कुछ नहीं हुआ। मथुरा की कहानी बताओ भाई, जो वो तो बालाजी मंदिर के पुरोहित ही हैं। आप सुनो, उनकी बेटी परेशान थी, उसकी शादी हो गई थी, और उसकी कोई बात, उसकी बेटी फिर बनारस गए वो लोग लेकर अपनी बेटी को, वहाँ पे चेक कराया, ऊपर निकले अंदर निकले, और वो खुद पुजारी हैं, खुद उसके महंत हैं बालाजी मंदिर के, फिर भी वहाँ से उनको कोई मतलब ना आभास हुआ ना रिलीफ हुआ। फिर बाबा जी के पास गए, ऊपर के वहाँ कटवाए, अंदर के फिर दवा खा के दिल्ली में कटवाया, वो लड़की बिल्कुल खुश है, बिल्कुल सुखी है। पहले वो काम नहीं करती थी अपने ससुराल में, अब क्योंकि दाम सब। बाबा जी का मानना ये है कि जहाँ पर भी ये शक्तियाँ थी वो सब जगह इतनी गंदगी कर दी है पुजारियों ने, बाबाओं लोग ने गलत कर दिया है, अब वहाँ पे वो लोग रहते नहीं है, बुजुर्ग रहते नहीं है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ इंसान नहीं रहेगा, तो वो बुजुर्ग लोग कैसे रहेंगे, मेरा तो यही कहना है ना। अभी कोई भी बाबा गंदगी करेगा, गंदगी करने वाला ये कहाँ पर है इस समय, आप लोगों को पता है, नाम हम लेंगे नहीं, सब जेल ही में है ना, बस समझ जाओ। और जो सही करने वाला है वो कैमरा लगा के नहीं बैठेगा, आप सांस ले रहे हो या रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी मैं बात करता हूँ सारी जनता के सामने, जो भी है सब सामने। एक ही प्रसाद चार बार बिक रहा है, एक ही चादर जो है वो अब अंदर से बाहर आ गई फिर दोबारा बिक रही है, वो सब गए हैं, ये वापस फिर बिक रही है, क्या है क्या है क्या? ये तो ख्वाजा दरगाह में यही सब जगह है, मंदिर में है, मस्जिद दरगाहों में है, गलत है ये, गलत है। इसी वजह से वहाँ कोई बुजुर्ग कोई ईश्वर रहते हैं, शक्ति नहीं रहती। मुझे गंदी चादर मिली, मेरा मन तो वही खराब हो गया, मैंने कैसे चढ़ाऊंगा। पांडरा जी मंदिर में ही हो रहा है, पेड़ चढ़ाते हैं वही पेड़ पीछे फेल आ जाते, दुकान पे चले जाते, गलत है। बिहारी जी मंदिर में यही है वृंदावन, मारते पेड़ आगे में पेड़
अब अरे मालिक को, भगवान को आप सड़े हुए पेड़े चढ़ा रहे हैं, वो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, कैसे बुलाएंगे? अभी पुष्टि ले ठीक है, आप ये मुझे दे दो, डॉलर दे रहे हो हमको ये भर के अटैचियां, तो तुम इससे कितना लूटोगे? मैंने कहा ये अटैची उठाओ निकल जाओ तुरंत। लूटने की बात नहीं बाबा जी, डर भी तो जाते हैं कुछ लोग, आपके सामने कैसे करते हैं ड्रामे, जब हावी होते हैं आप पकड़ते हैं फिर कुछ लोग डर जाते हैं। कॉपिया में अगर बनाना होगा, कॉपी कौन बनाया? वो बनाए है ना, उन्हें लगता है कौन क्या करेगा, उन्हें लगता है तो वो आपको बना दें, इसको बना दें, हमें क्या आपत्ति हो, तो मालिक है किसी को भी बना दें। तो ये अनपढ़, एक अनपढ़ उनको समझ में आया कि ये मर जाएगा मगर ये कभी गद्दारी नहीं करेगा, बेईमानी कभी नहीं करेगा, इसीलिए ये पावर चाबी दे दिया खजाना की, ये ले पकड़। और ये औलाद यानी जब तक ये पृथ्वी जब तक जारी रहे, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कॉपियां बन जाए, क्या गारंटी है भाई? वो तुम सही करो, मिस यूज करने लगोगे, मालिक को बदनाम करोगे तुम, इसलिए नहीं। अभी मैंने लड़के को पावर दिया तो सारी शर्तें के साथ कि अगर तू एक भी शर्त इसमें से कैंसिल किया तो मैं मरने के बाद भी तेरा पावर वापस, तू फिर बेकार किसी काम का नहीं। बाबा जो परहेज होता है, परहेज नहीं, भेदभाव नहीं करना कभी किसी से, प्रधानमंत्री है इसको जल्दी देख ले, इसका नंबर पहले है, ये रिक्शा चलाने वाला है इसको बाद में देखेंगे, ये नहीं नंबर बाई नंबर, प्रधानमंत्री लाइन लगा के आ मेरे पास तभी काम करूंगा, डरना नहीं किसी से, ये दबंग आदमी है, गोली मार देगा, मार दे मगर मैं नहीं काम करूंगा तेरा, बहुत से हमारे पास है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तू दबाने में देर लगेगा, ला मैं एक सेकंड में दबा लेता हूँ मगर मैं तेरा काम नहीं करूंगा बिना नंबर को, बिना नंबर के मैं नहीं करूँ, हाँ करता हूँ बिना नंबर का, ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता जिसकी मजबूरी है, जहीफ है हमें लगता है इसको तत्काल आगे कर दे, तत्काल तुरंत, हाँ इसको आगे कर दे, वो मेरी मर्जी है बचाने के लिए, आप लोग ये अगली बार को खुराक दो बदल एक दवा खा ली छुट्टी हुआ है, कितने वीडियो में बोला है दो रास्ते हैं निकलने के, दो रास्ते हैं ना, दूसरा रास्ता कहाँ है बताओ आप, उसमें भी मैं बोला हूँ बेवकूफो पीछे बैठो देखो वो निकला आएगा उसके अंदर भी, उसका भी वीडियो बना लो, आपको अब तक क्या फायदा हुआ? बॉडी में बिल्कुल जो भारी भारी सेट हो गई, मिसेस को भी जो दिक्कत थी वो भी क्लियर है, काफी आराम है, तभी तो हम फ्लाइट पकड़े फटाफट आए कि 15 दिन जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे 7 तारीख तक। तो कितना रुपया लगा फ्लाइट का आने जाने का? 8,000 की टिकट थी वापस 22,000। कुछ कमेंट कर रहे हैं लोग कि बाबा जी दिल्ली में 500 रुपया क्यों ले रहे हैं, तो वापसी तो 22 की बता रहे हैं। अच्छा 22,000 का ये वापसी है, वापसी का वापसी एक आदमी का, फिर हमें क्यों रुक रहा है 8,000 में? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाबा जी बनारस में 250 लेते हैं यहाँ 500 ले रहे हैं, अरे भैया कितने वीडियो में बोला है बाई एयर आ रहा हूँ बाई एयर जा रहा हूँ, तो ये खर्च कहाँ से आएगा भैया? तो ये अच्छा है या बनारस में आप आते हैं वो अच्छा है? ये अच्छा है, तभी तो हम सारे बोल रहे थे बाबा जी नजदीक तो टाइम दोनों चीजें वो तो सर जी फिर अपने अपनी इमरजेंसी पे बंदा पहुंचता ही है कहीं भी फैसिलिटी तो बस है। कितने साल से आप लगभग परेशान थे? 7 साल। 7 साल में आपका किया गया है तो आप ही को पता होगा, कई करोड़ गए होंगे मगर सब वापस हो जाएंगे, मैं उस दिन भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, कांटे हट जाएंगे तो चुभेंगे कहां से, कांटे निकल गए तो चुभेंगे ही नहीं, फिर दौड़ लगा के चलेंगे आगे, और कांटे धस रहे तो हम दौड़ सकते नहीं है क्योंकि चुभ रहे हैं, चीजें
फैक्ट है, वो तो रीजन आ जाता है सामने, कोई ना कोई आ जाती है प्रॉब्लम। आप बोल के आए कि दवाई लेने जाना है, अब बहुत ज़्यादा कर रहा, आपको कहानी खराब हो गई उसको, मतलब मेरी मिसेस को ना चक्कर आ रहे थे और बोले बीमार बीमार, मैं जा ही नहीं पाऊँगा, तो हमने जाना ही नहीं हुआ बाबा को बोल दिया, तो बाबा उनको दवाई लेने चले गए डॉक्टर में प्रवा के। अब देखो ये सारे काम करा चुके हैं, मगर अब है कुछ है, अगर हम बेईमानी करें कि नहीं बोल दे पंडित नहीं है, तो ये तो दुखी रहेगा ना, इसलिए हम बेईमानी नहीं कर सकते हैं। चेक होगा, एक निकले, दो निकले, दस निकले, ये मरवाएगा नहीं मरवाएगा, यानी मुक्ति दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा, ये इसकी मर्जी है, मेरी कोई मर्जी नहीं है।